उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सहजधारा हेलीपैड के निकट MDDA सिटी पार्क में वृक्षारोपण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड का लोकपर्व हरेला संपन्नता, हरियाली एवं पर्यावरण संरक्षण का पर्व है। यह पर्व हमारी सांस्कृतिक धरोहर एवं परंपरा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। वृक्षारोपण का कार्यक्रम केवल सरकारी कार्यक्रम तक ही सीमित ना रहे, इसे जन जन का कार्यक्रम बनाने के लिए लोगों को जागरूक किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वृक्षारोपण के साथ ही उनका संरक्षण हो और इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनता से आग्रह किया है कि मुख्यमंत्री से भेंट के लिए लोग बुके ना दें, बुके की जगह पौधा भेंट करें। प्रदेश में व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण हो, हरियाला पर्व पर हमें यह संकल्प लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वजों द्वारा प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए अनेक सराहनीय प्रयास किए गए, उनकी भावी पीढ़ी को हरा भरा उत्तराखंड मिले, इस दिशा में हमें लगातार प्रयास करने होंगे। जल स्रोतों के सूखने पर मुख्यमंत्री ने चिंता जताते हुए कहा कि जल स्रोतों के पुनर्जीवन की दिशा में प्रयास करने होंगे। हरेला हमारा एक त्यौहार है और इस त्यौहार को हम प्रकृति संरक्षण का त्यौहार मानते हैं और इस दिन हमें संकल्प लेना चाहिए कि अधिक से अधिक, जो आज कोरोना के समय में जो हमारे सामने पर्यावरण का एक जो है बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया है, जिस प्रकार से ऑक्सीजन कम हो रही है, जिस तरीके से आज पर्यावरण संरक्षण की तरफ जो है हम लोगों को अत्यधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, तो इस दिन हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, हमने यही आह्वान किया है। और पेड़ लगाएं ही नहीं बल्कि उनका संरक्षण भी करें, क्योंकि यह प्रकृति संरक्षण का दिवस भी है। मैं सभी प्रदेशवासियों को, सभी को अपनी तरफ से आज के पर्व की शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरेला पर्व के अवसर पर SDRF बटालियन जॉली ग्रांट में वृक्षारोपण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरेला उत्तराखंड का महत्वपूर्ण लोक पर्व है, हमें व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण के साथ ही उनके संरक्षण पर भी विशेष ध्यान देना होगा। विज्ञान तेजी से तरक्की कर रहा है, इससे मानव जीवन में सुख सुविधाएं तो बढ़ी हैं, लेकिन पर्यावरण संतुलन के लिए अधिक से अधिक वृक्षारोपण जरूरी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कोविड की वजह से वैश्विक स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के प्रति चिंता बढ़ी है, पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ी है। उन्होंने कहा कि कोविड के दौरान उत्तराखंड पुलिस द्वारा सराहनीय कार्य किया गया। मिशन हौसला के तहत पुलिस द्वारा अनेक जरूरतमंदों की सेवा की गई। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा कि इस वर्ष पुलिस द्वारा प्रदेश में 1,00,000 वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया था। 5 जून से पुलिस द्वारा 90,000 से अधिक वृक्षारोपण किए जा चुके हैं। आज का जो निवेश कर गया है, आज इस प्रकार से पर्यावरण दूषित हो रहा है, सबके बीच में हरेला पर्व आता है, तो आने वाले समय के लिए इसमें हम पेड़ पौधों को लगाते हैं, संरक्षित करते हैं, हमें संकल्प लेना चाहिए। हम लोग प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में जो भी कर सकते हैं, वृक्षों का संरक्षण करें, छोटे पेड़ों को लगाएं और संकल्प लें कि निश्चित रूप से इस दिन हम कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाएं। उत्तराखंड में देहरादून समेत 5 जिलों में मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक शुक्रवार को इन जिलों में गर्दन के साथ आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका जताई जा रही है। मौसम विभाग ने बताया कि 17 को पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल पर देहरादून में भारी बारिश की संभावना है। वहीं 18 जुलाई को पिथौरागढ़, नैनीताल, बागेश्वर, पौड़ी और देहरादून में कहीं कहीं भारी से भारी बारिश का अलर्ट रहेगा। 19 जुलाई को पिथौरागढ़, पौड़ी, नैनीताल, देहरादून और उत्तरकाशी में कहीं कहीं भारी से भारी बारिश का अलर्ट जारी है। निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार 18 और 19 से बारिश में इजाफे का अनुमान है। कल 17 तारीख से बात करें तो जो एक्टिविटी वो बढ़ेगी, 17 तारीख में जो कुमाऊं रीजन के डिस्ट्रिक्ट है, जैसे नैनीताल है, चंपावत है या US नगर है, तो इसमें रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी अच्छी रहेगी और हैवी या वेरी हैवी रेन्स भी इन डिस्ट्रिक्ट में विशेषकर कहीं कहीं पर वो देखने को मिलेगी। देहरादून डिस्ट्रिक्ट में भी अच्छी रेन कल मिलनी चाहिए, कल शाम रात से, और उसमें भी हैवी रेन तक भी एकाधोका जगह में डिस्ट्रिक्ट में मिल सकती है। बाकी डिस्ट्रिक्ट में बात करें तो जो अंदर के हैं उसमें भी हल्की मध्यम बारिश, खासकर जो आपके कुमाऊं रीजन के डिस्ट्रिक्ट है, तो उनमें वो भी
मिलेगी। 18 तारीख में जब आप जाएंगे तो जो एक्टिविटी है प्रदेश में वो और ज़्यादा बढ़ेगी, और 18 और 19 ये दो दिन ऐसे रहेंगे कि जिसमें कि जो है पूरे प्रदेश में जो है अच्छी बारिश वो मिलने वाली है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की मंत्री रेखा आर्य ने शिशु और बालिका निकेतन के बच्चों के साथ हरेला टूर किया। इस मौके पर उन्होंने हरेला का महत्व समझाने के लिए विज्ञान धाम में बच्चों के नाम से पौधे लगाए। बच्चों की स्कूल की दो बसों से मंत्री और सचिव हरिचंद्र सेमवाल झाजरा स्थित विज्ञान धाम पहुँचे। यहाँ उन्होंने सभी 30 बच्चों के नाम से अलग अलग पौधे लगवाए। इस मौके पर मंत्री ने बच्चों से पर्यावरण और उसके महत्व की जानकारी साझा करी। साथ ही इस टूर में बच्चों को उनकी फेवरेट चीज़ें भी खिलाई गई। देखिए, मैं आज इस हरेला के अवसर पर मैं पूरे अपने प्रदेश के सभी भाई बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाई देना चाहूँगी, क्योंकि हरेला का पर्व हमारी संस्कृति को बताता है, हमारी परंपराओं को बताता है। ये बताता है कि हमें एक दिन किसी अवसर के रूप में हम प्रकृति से जुड़ें। तो आज मैंने एक अभिनव प्रयास किया है कि हमारे जो शिशु सदन के बच्चे हैं, जिनके अभिभावक के रूप में सरकार होती है, उन बच्चों के नाम से वो स्वयं जो है आज विज्ञान धाम में पौधारोपित करेंगे, और प्रकृति के से जुड़ने के साथ में विज्ञान धाम में भ्रमण करेंगे। उन्हें बहुत सारी चीज़ें विज्ञान के संदर्भ में जानने को मिलेगी, और प्रकृति से भी एक जुड़ाव, जो उनके नाम का पौधा वो जब रोपित करेंगे तो निश्चित रूप से जैसे जैसे वो बढ़ेंगे और वैसे वैसे पौधे बढ़ेंगे तो उसको देखते हुए उन्हें निश्चित रूप से आनंद मिलेगा। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने आज पत्रकारों से बातचीत में न केवल केंद्र सरकार पर निशाना साधा, बल्कि उत्तराखंड सरकार पर हर मोर्चे पर विफल होने का भी आरोप लगाया। सचिन पायलट के अनुसार उत्तराखंड में हर ओर अराजकता का माहौल फैला हुआ है। सचिन पायलट ने उत्तराखंड प्रदेश की भाजपा सरकार को महंगाई के मुद्दे पर घेरा और केंद्र सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जनता बढ़ती महंगाई से परेशान है। पूरे देश में एक केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से आग लगाई हुई है और आम जनता इससे त्रस्त है। इनकी कीमत कम करना केंद्र सरकार के हाथ में है। सरकार की गरीब विरोधी नीतियों के चलते आज हर कोई परेशान है। पेट्रोल पे जो सेस लगाया है प्रति लीटर जो सरकार लेती है केंद्र सरकार, वो 33 रुपए है, और डीजल पे प्रति लीटर जो सेस सरकार ले रही है केंद्र की, वो 32 रुपए है। ये सारा पैसा किसके पास जा रहा है? और केंद्र सरकार के पास अगर पैसा आता भी है तो हमने सुना था कि वित्त मंत्री महोदय ने बोला कि कोविड के बाद 20 लाख करोड़ का पैकेज हम देंगे, कोरोना वैक्सीन के लिए 30,000 करोड़ रुपए के उन्होंने अलग प्रावधान किया था, ना तो वैक्सीन आई, लोगों को दुख का सामना करना पड़ा, कठिनाई का सामना करना पड़ा, और जो हमारे लघु उद्योग हैं, छोटे इंडस्ट्रियल हैं, फैक्ट्रीज हैं, उनको किसी को पैसा नहीं मिला। बड़े बड़े देशों में अधिकांश सरकारों ने जनता की जेब में पैसा दिया ताकि वो आमदनी की अतिरिक्त कुछ खर्चा करें, ताकि डिमांड बढ़े, प्रोडक्शन बढ़े और अर्थव्यवस्था का जो चक्र वापस चालू हो सके। लेकिन इस सरकार ने सिर्फ पैसा लेने का काम किया है, खर्चा कहाँ किया ये समझ से परे है। उत्तराखंड बेरोजगार प्रशिक्षित संघ द्वारा आज नियुक्ति की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। महिलाओं ने सड़क पर ही बैठकर धरना दिया और साथ ही सरकार से मांग करी कि वह उनकी वरिष्ठता के आधार पर उनको नियुक्त करे। काफ़ी सालों से वह इस मांग को लेकर अड़ी हुई है, लेकिन सरकार द्वारा उनकी बात न सुनने पर आज वह धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर हुई। उनका कहना है कि ट्रेनिंग के बाद से ही वह नियुक्ति को लेकर भटक रहे हैं और सरकार से जल्द ही मांग करते हैं कि उनकी मांगों को सुनकर उन पर अमल किया जाए। हमारी मात्र एकमात्र मांग है जिसके लिए हम सालों से लड़ रहे हैं, आज भी लड़ रहे हैं, वरिष्ठता के आधार पर हमें जल्दी से जल्दी नियुक्ति दी जाए, हमारे जो रिक्त पद हैं उसके सापेक्ष हमको भरा जाए और जल्दी से जल्दी नियुक्ति दी जाए, ना तो हम किसी भी पचड़े में हम नहीं पड़ेंगे। देर है, ये करना है, वो करना नहीं, जल्दी वरिष्ठता के आधार पर नियुक्ति दी जाए सबको। 2016 से विज्ञप्ति निकली थी, उस समय हम सब लोग एलिजिबल थे, उस समय हमारी एज भी थी, हमने फॉर्म भरा था, ठीक है, और उसके बाद क्या कहते हैं, उसके बाद फिर हुआ नहीं, वो उसमें हमने भर्तियाँ नहीं की, और 2016 साल लगाइए 2021 है, तो हम लोग की एज तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी ना, तो एज तो हम ओवर एज हो चुके हैं। सरकार एक साल का रिलैक्सेशन दे रही है, बोल रही है, लेकिन वो भी नहीं होगा, उसमें हम लोग तो फिर कहीं से नहीं आते ना, तो हमें इस ट्रेनिंग का क्या फ़ायदा हुआ, हमें तो कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा ना। छोटा सा बच्चा था जिस वक्त ट्रेनिंग की थी, उसको छोड़ के हम गए थे, तो ऐसे मेरे साथ के और बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो ओवर एज हो चुकी हैं।